डायरेक्ट वायनाड से अर्ली मॉर्निंग सुबह, अभी बजे हैं सुबह के 6:30। इट्स टेरिफिक, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग मॉर्निंग, ब्यूटीफुल। सामने माउंटेन, हल्का हल्का सनराइज हो रहा है और हम लोग इधर पे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है। और सामने वो माउंटेन में कुछ कुछ लाइट हल्का हल्का जल रही है। ये व्यू देखने के लिए मैं आया था, पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, बट यस, इस तरह की ब्यूटी अमेजिंग। शहर से दूर, सिटी से दूर, सब कुछ टेरिफिक ब्यूटी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर सुपर एक्साइटिंग ब्लॉग। गाइज आज है आपके और एक सुबह। गाइज वेलकम बैक टू कपिल एक्सप्लोरर, जहाँ पे मैं और लीना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है लेंस में, यहाँ पे मैं और लीना आप लोगों को नई नई जगह, नई नई सब कुछ, खाना पीना घूमना जगह दिखाते हैं। और ये पीछे का जो ये खूबसूरत लोकेशन है, ये है वायनाड में, जो कि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे पिछले 2-3 ब्लॉग से। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आप लोगों को नई नई चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकूँ। गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग जो लोग भी ऑफिस के काम में या फिर बिजनेस में बिजी हो, तो यू शुड टेक आउट योर टाइम, और आप लोग इस तरह के कुछ जगह पे विजिट करना डेफिनेटली बनता है। यू विल फाइंड पीस ऑफ माइंड, रिलीफ और एवरीथिंग, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और अभी बजे है सुबह और ऑलमोस्ट 8:30 हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या वो लोग देते हैं और देखते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। माउंटेन में, हिल में, हिल स्टेशन, माउंटेन नहीं बोलूँगा, एक हिल स्टेशन में, आपके एक केरला में वायनाड जैसी जगह पे किस तरह का ब्रेकफास्ट आपको मिलता है। ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस रिसोर्ट, बिकॉज रिसोर्ट ने मेरे को पे नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी लाइफ की छोटी मोटी कहानी एक्सप्लोर जो हम लोग करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दी सुपर डुपर ब्रेकफास्ट राइट नाउ। क्या बोलते हो लीना, एक्सप्लोर करें? गाइस रियली ब्यूटीफुल यार, सुबह सुबह उठ के, ये है हमारा कंप्लीट विला। मैं पिछले 2-3 बार से बोल रहा हूँ, बट ये सुबह का व्यू है, देखो ऊपर में माउंटेन, जस्ट हमारा विला, कंप्लीट विला हमारा है, लिली कॉय बोल के 302। और यहाँ पे रूम, ये वाला वॉशरूम, ये वाला हमारा स्टेइंग रूम, वहाँ पे बीच में एक जगह है, वेरी नाइस यार। और इधर से हम लोग जाने वाले हैं अभी। तो गाइस मुझे फिर से दोबारा ड्रेस चेंज करना पड़ा, बिकॉज मिस लीना को पसंद ही नहीं है। देखो एक बात बोलो, एक दिन के लिए आया हूँ, क्या मैं 4-4 ड्रेस पहन पहन के घूमूंगा? तो ज़बरदस्ती मेरे को ये, एवरीथिंग इज गुड ओनली इफ यू सी विथ योर आईज इन ए प्रॉपर वे, देखने का खाली नज़ारा होना चाहिए। सो अभी तुम दबा के ब्रेकफास्ट खाओगे या कम खाओगे? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन फूड, किस तरह के फूड होते हैं, बट डोसा इडली तो डेफिनेटली रहेगा, जाके पता चलेगा। जगह 24 आवर्स के लिए बहुत कम है, मतलब यू डोंट फील लाइक, जैसे कि मतलब मोमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट हमारा ऑफिस भी तो है, वी डोंट टाइम लग रहा है, मतलब इट्स नॉट फॉर गोइंग, मतलब जस्ट स्टेइंग हियर इज ओनली ग्रेट। हाँ जस्ट स्टेइंग हियर, ऑफिस छोड़ दो, इधर पे रह जाओ, क्या ठीक बोला। तो थोड़ा सा गर्मी अभी 8:30 हुआ है, बट लेकिन थोड़ा सा गर्मी आ रहा है, हीट फील हो रही है। ये देखो कोरल ट्री, कोरल, इंडियन कोरल ट्री, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, दिस इज वन मोर कॉटेज, दिस इज सेम काइंड ऑफ कॉटेज। ब्रेकफास्ट टेबल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, इधर पे हम लोग बैठे हुए हैं और इधर पे आपका बहुत ही खूबसूरत व्यू, थैंक यू। यहाँ पे वेरी नीट है, वेरी क्लीन है, देखो कोई नहीं है। तो गाइस सबसे पहले इन लोगों ने ग्रेप जूस दिया हुआ है, ग्रेप जूस, हॉट वाटर बहुत ज़रूरी है, विदाउट हॉट वाटर कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे तो देख के इतना खूबसूरत लग रहा है यार, क्या खूबसूरत व्यू।
अच्छा है, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं है। और लीना इधर पे अपना इंस्टाग्राम चालू, तो इसका बीट रूट पराठा। ओह माय गॉड, लीनास फेवरेट बीट रूट। बीट रूट वेज सैंडविच। ओके, वेज सैंडविच कर्ड। दिस इज एलांची। व्हाट इज दैट? एलांची केरला डिश। केरला डिश कट फ्रूट्स। ओके, यू डोंट गिव ऑमलेट ना? ऑमलेट कैन यू गिव अस ऑमलेट? यस। ओके, प्लेन ऑमलेट, चीज ऑमलेट एंड फॉर मी चीज ऑमलेट। ओके, मसाला ऑमलेट। ओके ओके, एंड यू व्हाट एल्स यू गिव? एनीथिंग? डोसा यू गिव और एनीथिंग लाइक दैट? डोसा, इडली डू यू गिव? नो, पूरी एंड भाजी। पूरी एंड भाजी, ओके ठीक है, यू गिव मी ऑमलेट। ओके थैंक यू, हैव इट योर फर्स्ट ट्यूसडे। You were more excited for coming. No, beetroot is your favorite, na? Okay, I will. So you eat it and give the review because our viewers want to know. Your favorite beetroot sandwich. Beetroot Leena ka bahut zyada favorite hai, to pata chal jayega ki kis tarah se. Sandwich nahi, paratha. No, this one is sandwich. This is not beetroot. No, this one is normal veg sandwich. So this is beetroot paratha. Smash karke hua hai. Oh, smash karke, stuffing nahi hai. स्मैश करके एक साथ में मिक्स करके दिया हुआ है। लाइक आवर पार्टी शॉपटा। यस, दिस इज केरला डिश। दिस इज केरला डिश। ये एक्चुअली बंगाल में पार्टी शॉपटा बोलते हैं, ये वाला मालपुआ टाइप, सॉर्ट ऑफ पार्टी शॉपटा ओनली। सेम ना? सेम। This is actually in Calcutta we make this dish similar to that. With coconut. With coconut. Inside the stuffing will be coconut. It's coconut and jaggery and all, mixed it, sugar and this. Same. Inside this is carrot. Yes. Coconut, carrot and tea. That carrot is boiled or how it is? Sweet, na? So. It's sweet actually, sweet. Yeah, ye carrot ko halwa type bana ke andar pe diya hua hai. Sandwich, bread, white bread. अंदर पे कैरेट, क्यूकम्बर एंड कैबेज। प्लेन बहुत ही नीट है, अच्छा है, प्लेन है, सिंपल है। मतलब वो सबको ऑब्वियसली ग्रेट करके इसको ऊपर से ब्लैक पेपर ग्रिल किया हुआ है। तो गाइस हमारा अगला उन लोगों ने ब्रेकफास्ट में दे दिया है, दिस इज पूरी एज यूजुअल। आई थिंक दिस इज मैदा का पूरी, नॉट आटा, एंड दिस वन इज भज्जी। चलो एज यूजुअल होने वाला है, लेकिन मुझे भज्जी टेस्ट करना है बिकॉज दिस इज ए केरला, तो ऑब्वियसली केरला स्टाइल में ही होगा। वी विल हैव इट दिस वन। दिस इज आलू। ओके, विल हैव एंड जस्ट तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसा है। ये मैं ग्रेवी, ये जो ग्रेवी है मैं सेकेंड टाइम ले रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मैंने बहुत से होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाया है, बट दिस इज ए आलू सब्जी, प्लेन सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सटल है, ऑनियन दिया हुआ है, हल्का सा स्पाइस का फ्लेवर है, तीखा नहीं है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कलकत्ता में, ये सब मीठा होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ स्वीट, बट ये स्वीट नहीं है, लिटिल बिट हल्का स्पाइसी है और क्लियरली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बेसिकली तो जो ऑनियन दिया हुआ है उससे इसमें आपका स्वीट फील आ रही है ऑनियन की वजह से, अदरवाइज इट्स रियली गुड। पार्ट इज दैट करी लीव्स और मोड़ी बोलते हैं, स्नॉफ, या सॉरी स्नॉफ और करी लीव्स, ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है, विच इज़ एक्चुअली गुड। ओके, मैं खा ही जा रहा हूँ।